इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D के अंदर न्यू आइसक्रीम अंकल रॉड ने खोली है अपनी आइसक्रीम फैक्ट्री। जी हाँ गाइस, आज हम लोग इन्हीं रॉड अंकल से आइसक्रीम चोरी करके फिर इनसे लेके खाएंगे। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो ऑलराइट गाइस, हमारा पहला मिथ है कि अगर हम लोग अपने गेम के अंदर आने के बाद स्विमिंग पूल के पास अगर हम लोग जेट पैक को ऐड करेंगे, उसके बाद स्विमिंग पूल के अंदर जाने के बाद जेट पैक के अंदर बैठेंगे तो होगा मैजिक। तो इस मिथ को ट्राई करने के लिए जल्दी से मैं स्विमिंग पूल के अंदर मंगा लेता हूँ जेट पैक को, और उसके अंदर जाने के बाद हम लोग बैठते हैं तो देखते भाई कौन सा मैजिक होगा। तो भाई जल्दी से मैं अपना फ़ोन ओपन कर लिया, उसका 330 के चीट कोड से मैंने जेट पैक को मंगा लिया है। और भाई मैं स्विमिंग पूल के अंदर कूदने के बाद मैं बैठ चुका हूँ जेट पैक के अंदर, और आप लोग देख सकते हैं कि जो हम लोग की आधी शरीर है भाई वो इस जेट पैक से नीचे और थोड़ी सी शरीर जेट पैक के ऊपर है। और भाई हम लोग को जो पैर है भाई वो स्विमिंग करते हुए भाई इस जेट पैक से उड़ रहे हैं। जी हाँ गाइस, आप लोग देख सकते हैं भाई हम लोग जेट पैक में बैठे हुए हैं वो भी स्विमिंग करते हुए। जी हाँ गाइस, हम लोग ऐसे करते करते कहीं पर भी जा सकते हैं भाई। ये बहुत ही भयंकर हम लोग का कैरेक्टर जो है भाई बहुत ही भयंकर हो चुका है। अगर आप लोग को इमेज अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो भाई आप लोग देख सकते भाई जो अपना कैरेक्टर है भाई इस मतलब जेट पैक से भाई कितना अच्छा भाई लग रहा है भाई इस जेट पैक के ऊपर। और अगर हम लोग इससे नीचे उतरते हैं तो अभी भी आप लोग देख सकते कि भाई हम लोग का जो कैरेक्टर है वो स्विमिंग कर रहा है। जी हाँ गाइस, ऐसे स्विमिंग करते करते मैं कहीं पर भी जा सकता हूँ। तो भाई आप लोग भी इस मिथ को ट्राई कर लीजिए भाई, ये तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि भाई स्विमिंग करते हुए हम लोग इस गेम के अंदर कहीं पर भी घूम सकते हैं। और आप लोगों को भी घूमना हो तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और अगर हम लोग किसी भी कार के ऊपर अगर चढ़ जाते हैं तो क्या होगा, क्या वो कार भाई फट जाएगी या फिर हम लोग उसके ऊपर से चले जाएंगे, या फिर अगर हम लोग कार के अंदर बैठते हैं तो भाई अगर उसके बाद अगर हम लोग कार से एग्जिट लेंगे क्या पता हम लोग सही हो जाए। तो भाई सामने एक रेड कलर की कार आ रही है, मैं जल्दी से चलता हूँ इस कार के पास और कार के अंदर बैठते हैं तो देखते भाई हम लोग का जो कैरेक्टर है भाई इस बंदे को वो तो भाई उठा के फेंक किसी कार से बाहर निकाल दिया। और भाई हम लोग इसकी कार चोरी करके बैठ चुके हैं। और भाई आप लोग देख सकते हैं हम लोग का जो मतलब कैरेक्टर है वो अभी सही सलामत है। और अगर हम लोग इससे एग्जिट लेते तो क्या हम लोग का कैरेक्टर सही हो जाएगा या फिर पहले की जैसा नहीं रहेगा, फिर से स्विमिंग करने लगेगा, ये तो भाई तो उठने के बाद ही पता चलेगा। तो आप लोग देख सकते हैं हम लोग का जो कैरेक्टर था भाई वो स्विमिंग अभी भी कर रहा है। जी हाँ गाइस, इसलिए भाई ये मैं कन्फर्म है हम लोग चलते हैं नेक्स्ट मिथ की तरफ। आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और फाइनली गाइस, हमारा अगला मिथ है कि अगर हम लोग GTR को स्पॉन करते उसके बाद उसके बगल में अगर डॉग को स्पॉन करेंगे और भाई दोनों में अगर एक साथ बैठेंगे तो होगा मैजिक। तो इस मिथ को ट्राई करने के लिए मैं जल्दी से मंगा लेता हूँ अपने गेम के अंदर GTR को और जस्ट उसके बगल में डॉग को। तो जल्दी से GTR को पहले मंगा लेते हैं। तो GTR का चीट कोड 3005 होने वाला है। तो हम लोग की जो GTR थी भाई वो आ चुकी है। और अगर हम लोग डॉग को स्पॉन करना चाहे तो 600 के चीट कोड से जो हम लोग की डॉग है वो भी आ चुका है। और भाई हम लोग को डॉग को मतलब एकदम जस्ट GTR के गेट के बगल में लगाना पड़ेगा क्योंकि भाई इसकी जो एंट्रेंस है भाई वो एक ही तरफ से होती है और हम लोगों को भाई जो इसका डॉग का एंट्रेंस है भाई वो दूसरी साइड है, इसलिए हम लोगों को डॉग को एकदम अच्छे से इसके कार के एकदम जस्ट बगल में लगाना पड़ेगा इसके डोर के। तो भाई मैं अपने डॉग को एकदम सीधा ले चलता हूँ, उसके बाद हम लोग इस कार के डोर के एकदम जस्ट बगल में आ जाएंगे तो देखते भाई क्या होता है मैजिक। तो अगर आप लोग इस वीडियो पे नए हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जल्दी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो भाई मैं पहुंच चुका हूँ अपने डॉग को लेके अपने GTR के एकदम जस्ट गेट के पास और भाई मैं इससे डॉग से एग्जिट ले लेता हूँ। तो भाई यहाँ पे अभी दोनों को ऑप्शन तो नहीं आ रहा है बैठने का, पर भाई अब आ गया दोनों को ऑप्शन बैठने का। तो जल्दी से मैं बैठ जाता हूँ, उसके बाद भाई देखते हैं क्या होता है मैजिक। तो भाई मैं बैठ चुका हूँ इस GTR और भाई डॉग के दोनों के बीच में जाके दोनों के ऊपर बैठ चुका हूँ और भाई इसको डॉग को थोड़ा चलाते हैं, पर भाई अभी तक तो कोई भी मैजिक नहीं हो रहा है। भाई मैं इस GTR को भी पलट दिया हूँ पर भाई अभी तक कोई मैजिक नहीं हो रहा है। और भाई GTR जो थी वो अपने आप ही आगे चलने लगी थी, पर भाई फिर से मैं इसके ऊपर बैठ के कुछ कर रहा हूँ पर तभी भी नहीं हो रहा है, इसलिए भाई ये मिथ जो है मिथ बस्टेड। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट मिथ की तरफ। ऑल राइट गाइस, हमारा अगला मिथ है जो है
जोरासिक पार्क के अंदर। और इधर आने के बाद अगर हम लोग किसी भी डायनासोर को स्पॉन करेंगे उसके बाद आजिश टोल के अंदर अटैक ऑन लिखेंगे तो भाई हम लोग आराम से कोई भी डायनासोर को मार सकते हैं। तो भाई मैंने आजिश टोल के अंदर आज को उसके बाद आजिश टोल के अंदर आने के बाद जल्दी से अटैक ऑन लिख देते हैं तो देखते भाई अटैक ऑन होता है कि नहीं। तो भाई अटैक और ऑन मैं जल्दी से लिख देता हूँ तो देखते क्या होता है। भाई अटैक ऑन मैंने लिख दिया पर भाई अभी अपने गेम के अंदर कोई भी अटैक ऑड नहीं ऑन नहीं हुआ है। तो भाई ये क्या हो रहा है भाई मुझे फिर से लिखना पड़ेगा भाई अटैक आपकी ऑन भाई थोड़ा इसी के पास में लिख देता हूँ तो देखते हैं क्या होता है। भाई मैंने फिर से लिख दिया उसके बाद फिर से भाई ये नहीं हो रहा है क्यों। मुझे लगता है पहले मुझे डायनासोर को बुलाने के बाद उसके बाद ट्राई करना पड़ेगा क्या पता तब हो जाए। तो भाई यहाँ पे मैंने डायनासोर को बुला लिया है उसके बाद फिर से मैं आजिश टोल के अंदर चला जाता हूँ। और भाई आजिश टोल के अंदर आने के बाद जल्दी से फिर से मैं अटैक ऑन लिख देता हूँ तो देखते भाई अब क्या पता हो जाए अटैक ऑन। तो भाई यहाँ पे मैंने अटैक ऑन लिख दिया पर भाई अभी अपने गेम का तो किस लिए नहीं हो रहा भाई अटैक ऑन। मुझे लगता है टारगेट ऑन लिखना पड़ेगा तो भाई मैंने टारगेट ऑन लिख दिया तो देखते भाई क्या होता है। तो भाई मैंने टारगेट ऑन लिख दिया पर भाई अभी अपने गेम के अंदर भाई ये क्यों हो क्यों नहीं रहा है। मुझे लगता है क्या पता ये पहले से हुआ हो। तो भाई मैं यहाँ सामने एक भाई डायनासोर भाई पहले उसको मार के चेक कर लेते भाई ये होता है कि नहीं। तो भाई मैंने यहाँ पे मार दिए पर भाई यहाँ पे टारगेट लॉक क्यों नहीं लिख के आ रहा है। भाई ये डायनासोर तो भाई यहीं पर खड़ा हो भाई सामने वाला डायनासोर तो मेरे पास आ रहा है। मुझे लग रहा है कि भाई ये वाला डायनासोर तो मुझे मार डालेगा। जी हाँ गाइस अगर आप लोगों को पता हो भाई ये कैसे ऑन करते हैं तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बता दीजिए। तो भाई अच्छे समय पर मैंने इस डायनासोर को ख़त्म कर दिया था वरना भाई ये डायनासोर जो है ये मुझे मार दिया होता तो भाई ये मिथ जो है मिथ बस्टेड है। आप लोग कमेंट करके मुझे जल्दी से बता दीजिए। तो भाई मिथ बस्टेड है हम लोग चलते हैं नेक्स्ट मिथ की तरफ। तो फाइनली गाइस हमारा अगला मिथ है कि अगर हम लोग अपने गेम के अंदर P1 लिखते हैं उसके बाद नाइट मोड लगाएंगे तो भाई उस P1 से भाई लाइट जलने लगेगी। तो इस मिथ को ट्राई करने के लिए जल्दी से मैं चला जाता हूँ RGS टूल के अंदर और RGS टूल के अंदर आने के बाद जल्दी से मैं लिख देता हूँ P1। जी हाँ गाइस P1 लिखने के बाद अपने गेम के अंदर प्रॉप 1 ऐड हो जाएगा। जी हाँ गाइस प्रॉप्स 1 ऐड हो जाएगा और जल्दी से नाइट मोड में लगा लेता हूँ तो देखते भाई क्या होता है। तो भाई यहाँ पे मैंने 9 डायल करके नाइट मोड जो है उसको लगा लिया है और आप लोग देख सकते हैं भाई इस प्रॉप्स में से भाई लाइट जलने लगी है। जी हाँ गाइस इसलिए भाई मिथ कन्फर्म है। चलते लास्ट और आखिरी मिथ की तरफ। जी हाँ गाइस तो फाइनली गाइस हमारा लास्ट और आखिरी मिथ होने वाला है कि अगर हम लोग अपने गेम के अंदर हाजिस टूल के अंदर आइसक्रीम अंकल लिखते तो अपने गेम के अंदर आइसक्रीम अंकल ऐड हो जाएंगे। तो मैं बिना किसी देरी के जल्दी से अपना फ़ोन ओपन कर लेता हूँ और हाजिस टूल के अंदर आने के बाद जल्दी से मैं लिख देता हूँ आइसक्रीम अंकल तो देखते क्या होता है अपने गेम के अंदर आइसक्रीम अंकल ऐड होते हैं कि नहीं। तो भाई यहाँ पे मैंने आइसक्रीम और अंकल लिख दिया है और देखते भाई सही पे क्लिक करके पर भाई अपने गेम के अंदर अभी कोई भी आइसक्रीम अंकल नहीं ऐड हुआ है। तो भाई जो ये मिथ है मिथ बस्टेड है। तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतने। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टाटा बाय।